सो गाइस, अभी बस थोड़ी देर पहले विक्रम वेधा का ट्रेलर देखा है यार। हिंदी में जो इन लोगों ने बीजीएम क्रिएट किया है, मज़ा आ गया उसको सुनकर। वो जो क्लासिक बीजीएम है, रा 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 रा, वो वाली नहीं, जो उन्होंने इसके साथ एडिशनल वोकल्स बनाए हैं, वो बहुत अच्छी लगी। और विजय राज सर की क्लासिकल आवाज़ में ट्रेलर से इंट्रोडक्शन चालू होता है। सबसे अच्छा सीन जिसने गूज़बम्प्स दिए हैं, वो है ऋतिक रोशन जब एक बिल्डिंग से कूदते हैं तलवार के साथ और एक बीच से किसी को काट देते हैं और बाहर से ब्लड स्पर्ट होता है, तो सबसे अच्छा सीन मुझे लगा है। हाँ, बहुत सारे ऐसे सीन हो सकते हैं ट्रेलर में, अगर आपने ओरिजिनल फिल्म देखी है तो आपको लगेगा कि कट टू कट कॉपी है, पेस्ट है, तो एक ये ड्रॉबैक फिल्म के साथ चलेगा कि लोग ये सोचेंगे कि अरे तो सीन कॉपी है, ये तो हमने ओरिजिनल में भी देखा है। बट अगर किसी ने ओरिजिनल नहीं देखी है तो उसके लिए सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि इसमें एक लॉयर का भी एंगल रखा गया है। तो ये मुझे देखना है किस तरीके से ये लोग बनाते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। टीज़र में सैफ अली खान की कोई भी वॉइस नहीं थी, कोई भी डायलॉग नहीं था। ट्रेलर में भी उनके कम ही डायलॉग हैं, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि जो फिल्म है वो ऋतिक रोशन सर के कैरेक्टर पे ही बेची जाएगी और उनके कैरेक्टर को ज़्यादा फोकस दिखाया गया है। यही सेम चीज़ ओरिजिनल फिल्म में भी थी कि जो विजय सेतुपति का कैरेक्टर था वो आर माधवन के कैरेक्टर के ऊपर था और उसने उस कैरेक्टर को ओवरशॉट कर दिया था। बाकी ट्रेलर अच्छा है। बाद में पता नहीं यार इन लोगों ने एक ऐड क्यों दिखा दिया, ये मुझे समझ नहीं आया। टीजर में भी इन्होंने दिखाया था, ट्रेलर में भी दिखा दिया, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी ओवरऑल ट्रेलर अच्छा है और अगर टाइम मिलेगा तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा, नहीं तो फिल्म तो मुझे देखना ही है। बाकी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में शेयर करो। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करने हैं इस साल के आखिर तक, ये एम है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। ट्रेलर बहुत अच्छा है, जा कर के देखो। ट्रेलर से रिकॉर्डिंग आपके क्या व्यूज़ है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर।